सिख यात्री बैसाखी मेले में शिरकत के लिए वाघा के रास्ते बजरिया ट्रेन लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन मुतरुका वक्फ इमलाक बोर्ड ताहिर एहसान ने सिख यात्रियों का भरपूर इस्तकबाल किया। रिपोर्ट करेंगे सरफराज खान। बैसाखी मेला सिखों का पाकिस्तान में सकाफती त्यौहार। 2000 से जायद सिख यात्रियों की वाघा के रास्ते बजरिया ट्रेन लाहौर आमद। वाघा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी हकाम की जानिब से सिख यात्रियों का भरपूर इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ताहिर एहसान ने सिख कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौके पर दुनिया भर से सिख बरादरी को मधु करेंगे। 550वीं बाबा गुरु नानक देव जी की बर्थडे आ रही है, उस पर भी हम अपने तमाम सिख बहन भाइयों को इंडिया से और पूरी दुनिया से हम उनको खुश आमदेद कहेंगे और उनके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन इंतजाम करेंगे। इस मौके पर गुरुद्वारा बंदक कमेटी पाकिस्तान के सदर सरदार तारा सिंह समेत दीगर सिख यात्रियों ने बेहतरीन इंतजाम पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और करतारपुर राहदारी मनसूबा की तमीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की ख्वाहिश जाहिर की। पाकिस्तान ने हमेशा ही एक कोशिश की है के वद चढ़ के जड़े साढ़े सिख भाई बाहर बैठे ने वो आके जड़े साढ़े इत इतिहासिक गुरुद्वारे ने ननकाणा साहब करतारपुर साहब डेरा साहब हसन अफदाल पंजा साहब उत्थे आके दर्शन दीदार कर सकन ते इन्हां नू ज़्यादा तो ज़्यादा असी फैसिलिटेट कर सकीए। सिख यात्री 10 रोज तक पाकिस्तान में कयाम करेंगे जबकि मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को पंजा साहब में होगी। गुरु ग्रंथ की एक उबानी है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। कुदरत के इन बंदों के लिए पाकिस्तान जो इंतजाम कर रहा है वो सरहद पार वालों के लिए भी एक सबक है। कैमरामैन इकराम शाह के साथ सरफराज खान, वाघा बॉर्डर।